Hello everyone and welcome to my channel My Mind is Art. I am Tanvi Gupta. So in today's video we are going to talk about intermittent fasting diet plan. I just uploaded a video related to intermittent fasting, what is intermittent fasting and all about its advantages and disadvantages. If you haven't watched that already, then I will link it here. You can just go and watch it. So if you're interested, then please continue watching. Also, thank you for all the love and support you guys give me. I love you all. So without any further delay, now let's get started. Okay, so सबसे पहले जब भी आप intermittent fasting as a lifestyle adopt करने वाले हो तो the first thing which you need to decide is आप कौन सा eating pattern या eating schedule अपने लिए choose करोगे. There are so many options about which I have talked in my previous video. For example, ADF, alternate day fasting, 5:2, which is called as warrior's diet, or 20:4, 16:8, or 18:6, or simple 12:12. तो जब भी आपको IF as a eating pattern start करने हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप एक time schedule अपना set करो. In today's video, I am going to take 16:8 eating pattern as the basis. And the time will be 12 PM to 8 PM is your 18 window, which is 8 hours. And from 8 PM to 12 noon is your fasting window. एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप IF follow कर रहे हो ना, तो generally what happens is कि हमारी जब eating window restrict हो जाती है ना, तो हमारी calories बहुत कम हो जाती हैं. Because we feel like छोटा सा ही तो टाइम है, हम कितने ही खा लोगे यार एक बारी में. सो इस वजह से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने BMR, which is basal metabolic rate. बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स कि वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो आपको जिंदा रहने के लिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरे दिन बेड पे पड़े हो आइडल, तब उस बेड रेस्ट पे जब होते ना, तब उस टाइम के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, दैट इज आर BMR. सो आपको अपने BMR से ज्यादा ही खाना है, बिकॉज आप लोग बेड रेस्ट पे तो नहीं हो ना, यू आर डूइंग सम और दी अदर एक्टिविटीज. एंड सम पीपल में इवन एनरोल देमसेल्व्स इनटू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी वर्कआउट. सो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने BMR, अपने BMR से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज अदरवाइज आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा एंड आपका वेट लॉस नहीं होगा. ऑल्सो अगर आपको अपना BMR कैलकुलेट करना है, देन आई विल लीव अ कैलकुलेटर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप उस पर जाकर अपना BMR चेक कर सकते हो. तो आपको ध्यान रखना है कि आप BMR से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, एंड इतनी ज्यादा भी नहीं कि वेट गेन हो जाए, बट या थोड़ी सी ज्यादा. मेक श्योर कि आप 200 या 300 कैलोरीज मोर देन योर BMR कंज्यूम कर रहे हो फॉर अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल वेट लॉस. ऑल्सो वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पूरे 8 आवर्स के विंडो में एटलीस्ट 4-5 मील्स लेने हैं. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको 4-5 मील्स रखने हैं अपने मील्स में, उन मील्स के लिए भी ना एक कुछ गाइडलाइंस है. हाई प्रोटीन होने चाहिए, गुड इन हेल्दी फैट्स होने चाहिए, लो कार्ब, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कार्ब होना चाहिए, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी मील्स में प्रेजेंट होने चाहिए. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ओनली काउंट आर मैक्रोज एंड वी डोंट टेक केयर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. सो अब सबसे पहले जब आप अपना फास्ट ब्रेक करोगे, द फर्स्ट थिंग विच शुड एंटर योर माउथ और शुड गो इन टू योर बॉडी इज अ ग्लास ऑफ वाटर. सबसे पहले बेसिक एक पानी का ग्लास दिया, उसके बाद अलॉन्ग विद दैट यू आर सपोज टू कंज्यूम अ बोल ऑफ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट. यू कैन कंज्यूम एनी फ्रूट, बीट, वाटरमेलन, पाइन एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, चीकू, बनाना, एप्पल, एनीथिंग, वट एवर यू लाइक यू कैन कंज्यूम, बट मेक श्योर दैट इट इज सीजनल. ऑल्सो वट हैपन अगर आप सबसे पहले जब आप हम फ्रूट खाते हैं ना, तो फ्रूट की नेचुरल शुगर्स विच इज नोन एज फ्रुक्टोज, हमारी बॉडी में ऑब्वियसली हमें फ्रुक्टोज मिलता है, तो हमारा इंसुलिन स्पाइक कर जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी गेट इंस्टेंट एनर्जी एंड ऑल्सो आर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स वर्किंग फास्टर. सो इसलिए सबसे पहले ही हमें एक बोल ऑफ फ्रूट लेना है. नाउ सपोज एट 12 PM यू आर ओपनिंग योर फास्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज अ बोल ऑफ फ्रूट. ओके, सो एट 12:30 आपको अपना फर्स्ट मील लेना है, विच शुड बी समथिंग वेरी हॉट एंड होम मेड. फॉर एग्जाम्पल परांठा, उपमा, जवे, पोहा, इडली प्लस डोसा, इडली डोसा प्लस सांबर, एक उपमा और बेसन का चीला और मूंग दाल का चीला और ओट्स. देर आर सो मेनी ऑप्शन विच यू कैन चूज फॉर योर ब्रेकफास्ट. मेक श्योर इट इज हेल्दी, होलसम एंड होम मेड. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क अलॉन्ग विद योर ब्रेकफास्ट. आई डोंट रिकमेंड हैविंग टी और कॉफी अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव इट हाफ एन आवर लेटर. बट इफ यू वॉन्ट टू हैव समथिंग टू ड्रिंक अलॉन्ग विद योर ब्रेकफास्ट, देन मेक श्योर कि आप एक ग्लास दूध पी रहे हो, बिकॉज वेन यू ड्रिंक टी और कॉफी विद आवर ब्रेकफास्ट, तो जो हमारा ब्रेकफास्ट का न्यूट्रिशन है वो हम पर वर्क नहीं करता अच्छे से. इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, हैव अ ग्लास ऑफ प्लेन मिल्क. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मील सेकेंड. अब सेकेंड मील आपने फर्स्ट मील लिया 12:30, नाउ सेकेंड मील आप लोगे अराउंड 2 PM.
अराउंड 2 p.m. आप अपना सेकेंड मील लोगे विच इज योर लंच. लंच में आपको अगेन 3 आइटम्स रखने हैं. इट शुड बी हैवी इन प्रोटीन, लो इन कार्ब्स, अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ गुड फैट्स एंड अ बिग बोल ऑफ सैलड. सो आप प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हो, आप एग्स ले सकते हो, अगर आप चिकन या फिश खाते हो तो आप चिकन या फिश ले सकते हो. सैलड, कोई भी सैलड, खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली, देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स अवेलेबल राइट नाउ. कोई से भी आप सैलड, उन सबको मिक्स करके कंबाइंड सैलड भी बना सकते हो, अ बोल ऑफ सैलड. एंड देन कार्ब्स के लिए आप रोटी ले लो, राइस ले लो, ब्रेड ले लो. एंड फॉर फैट्स, मेक योर लंच इन घी. परफेक्ट, बेस्ट यूज, best example of fats. And if you are a vegetarian, then for lunch I have a few options for you. You can take a brown bread sandwich, take 2 pieces of brown bread, add raw cucumber, raw tomato, raw onion and paneer slices and make a sandwich and eat it. Next option is dal roti sabzi. You can also have paneer tikka, homemade paneer tikka, and because it's rich in protein, you can switch paneer with tofu, so that is again a very good protein option. You can have soya vegetable or soya parantha. There are so many options if you will go and look for it. So ये आपको एक बहुत ही अच्छा wholesome meal हो जाएगा. अगर आप vegetarian हो तो आप make sure करो कि आप अपने lunch में दाल और दही दोनों चीजें add जरूर जरूर करो. If you are eating chicken or fish, then उसके साथ दही नहीं लेते हैं. But if you are eating vegetarian food like दाल, रोटी, सब्जी, then make sure कि आप एक कटोरी curd जरूर जरूर add कर रहे हो अपने lunch में. Now after meal number 2, let's move on to meal number 3, which is your snack. ने 2 p.m. पे अपना लंच लिया, so now next meal आप लोग लोगे 4 p.m. पे. So at 4 p.m. आपका एक स्नैक होगा, which can be anything from the options I am giving right now. भेल पूरी, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट्स, स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स, मोट स्प्राउट्स और काला चना की सैलड. यू कैन हैव अ चीज क्यूब, यू कैन हैव एनी अदर फ्रूट ऑल्सो, यू कैन हैव अ पीनट बटर टोस्ट, यू कैन हैव अ बोल ऑफ और अ सिंपल लाइक पैक्ड ग्रीक योगर्ट का जार. सो मेनी ऑप्शंस, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से अपने इवनिंग स्नैक में. मेक श्योर अगेन कि आप कुछ भी ओल्ड या फिर लेफ्ट ओवर फूड नहीं खा रहे हो, आप फ्रेश बना रहे हो. Also, you can also have 3-4 boiled eggs for evening snack. And अगर आप weight lose करना चाहते हो तो make sure आप 3, maximum 3 whole eggs in a day consume कर रहे हो and rest egg whites only. ये था आपका evening snack, meal number 3. Now let's move on to the next meal, which is meal number 4, which is your snack 2. Again, जो आपके meal number 3 के snack options थे, वो भी उनमें से भी कोई एक आप meal number 4 नेक्स्ट स्नैक ऑप्शन है, आप उसमें भी ले सकते हो. मील नंबर 4 आप लोगे अराउंड 6 p.m. या फिर आप 6:30 p.m. भी ले सकते हो. जो आप एक ऑप्शन चूज कर लो मील नंबर 3 के लिए विच इज स्नैक 1 एंड एक ऑप्शन चूज कर लो मील नंबर 4 के लिए विच इज स्नैक 2. दोनों में से आप कभी भी कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लो, मील्स में से आप ले सकते हो. 6 बजे अपना मील नंबर 4 भी ले लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मील ऑफ योर डे विच विल बी एट 8 p.m. 8 p.m. आपके ईटिंग विंडो ओवर हो जाएगी, तो हम अपना लास्ट मील 7:30 p.m. और 8 p.m. के बीच में लेंगे, विच इज योर डिनर. डिनर आपका अगेन सेम रहेगा लाइक लंच, सेम प्रपोर्शंस रहेंगी, हाई प्रोटीन, लो कार्ब, गुड फैट्स एंड अ बोल ऑफ सैलड. अगर आपको सैलड नहीं लेनी है तो आप डिनर में अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज हमने लंच में ऑलरेडी सैलड ले ली थी. डिनर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग लाइट, देन आप खिचड़ी ले सकते हो, आप पुलाव ले सकते हो, आप दलिया ले सकते हो, दाल चावल ले सकते हो विद अ डॉलप ऑफ घी, और यू कैन सिंपली ईट एग्स, ऑमलेट अगेन, या फिर सिंपल रोटी, सब्जी, दाल और दाल, राइस एंड वेजिटेबल, एनीथिंग. देर आर सो मेनी ऑप्शन. अगेन मेक श्योर हाई प्रोटीन, लो कार्ब एंड हाई इन गुड फैट्स. सो दिस वॉज द लास्ट मील ऑफ योर डे, जो कि आपको 7:30 से 8 p.m. के बीच में लेना है. दिस वॉज योर मील प्लान. आपको इस पूरे डाइट प्लान में मैंने 6 मील ऑप्शन दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट विच इज अ बोल ऑफ फ्रूट टिल द लास्ट एंड ऑफ योर डे विच इज योर डिनर. ऑल्सो गाइज, IF में ना कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ये खाना है या ये नहीं खाना, बिकॉज दिस इज एन ईटिंग पैटर्न जिसमें आपको एक ईटिंग विंडो में ही खाना है. सो आप कुछ भी खा सकते हो, बट अगर आप वेट लूज करना चाहते हो या आप अपना फैट लूज करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हेल्दी ऑप्शंस खाओ, बिकॉज अगर आप जंक खाकर वेट लूज करोगे ना तो वेट तो लूज हो जाएगा पर वापस से जंप बैक कर देगा एंड आपकी बॉडी एक जंक यार्ड बन जाएगी बिकॉज ऑफ ऑल द जंक फूड दैट यू विल ईट. आई हैव स्टडीड न्यूट्रिशन, आई नो अबाउट न्यूट्रिशन. सो आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम कर रहे हो अपने हर मील में.
Also guys, if you talk about your morning drink or your night drink, if you wake up at say 8 a.m. in the morning, तो आप उठते ही एक ग्लास नींबू पानी ले सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर का शॉट ले सकते हो या सिंपल एक ग्लास गर्म पानी भी ले सकते हो. एंड अगर हम बात करें नाइट ड्रिंक की, तो नाइट ड्रिंक में आप सिनेमन टी ले सकते हो, टर्मरिक टी ले सकते हो, अजवाइन टी ले सकते हो, जीरा टी ले सकते हो. अगेन सो मेनी ऑप्शन, आप कोई सी भी इनमें से टी ले सकते हो. ऑल्सो वन मोर थिंग, जब IF की आपका फास्टिंग विंडो चल रही होती है, तो उसमें आपको कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता एंड ना ही कुछ पीना अलाउड होता है एक्सेप्ट वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी और ग्रीन कॉफी. ये सभी जीरो कैलोरी ड्रिंक्स हैं एंड हैंस सिर्फ यही अलाउड होती हैं. इसके अलावा आप कुछ नहीं कंज्यूम कर सकते. सो मेक श्योर ऑफ दैट. ऑल्सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर वन टू वन कंसल्टेशन और इफ यू वॉन्ट अ कस्टमाइज डाइट प्लान, देन यू नो हू टू कॉन्टैक्ट. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. आई हैव द वेंचर बाय दैट न्यूट्रिशियस ग्लो एंड आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. आई विल लिंक ऑल माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. A lot of times people ask me description box होता क्या है. जहाँ पे मेरी वीडियो का टाइटल आ रहा है उसके साइड में बहुत छोटा सा एरो बना होगा, आपको उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा. सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई ट्रस्ट दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. इफ यू फॉलो दिस डाइट प्लान, देन लेट मी नो. लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो योर रिजल्ट आफ्टर अ मंथ और टू मंथ और आफ्टर थ्री मंथ. आई लव टू रीड योर कमेंट्स. Also, I will see you in my next one, guys. Till then, bye-bye. Take care. Stay happy, stay healthy.